बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। माय नेम इज दिल महबूब और 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सर्कल स्टेटमेंट का। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था और इसमें आज हम सर्कल स्टेटमेंट देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी किया करें। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल हैं और गेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं और आज ही बगैर टाइम जाए कि ये अपनी तैयारी शुरू करें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सर्कल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जिसके जरिए से हम ग्राफिक्स मोड में, हमने पढ़ा हुआ है कि ग्राफिक्स मोड हमारे पास मीडियम रेजोल्यूशन या हाई रेजोल्यूशन मोड होते हैं, जबकि टेक्स्ट मोड हमारा ऐसा मोड होता है जिसमें हम ग्राफिक्स नहीं बना सकते। ये वो स्टेटमेंट है जो ग्राफिक्स मोड में इस्तेमाल होगी और ग्राफिक्स मोड में जब हमने सर्कल ड्रॉ करना हो, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम सर्कल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस स्टेटमेंट के जरिए से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इस स्टेटमेंट के जरिए से ना सिर्फ हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं बल्कि इसके जरिए से हम एलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एलिप्स क्या होता है? एलिप्स आपको पता होना चाहिए कि ऐसा सर्कल जिसकी हाइट जो है वो ज्यादा होती है और विड्थ उसकी कम होती है। जैसे कि सर्कल हमारे पास इस तरह से एक राउंड शेप में होता है, इसकी हर तरफ से जो है वो सेंटर से अगर हम देखें तो सेंटर पॉइंट से हर तरफ का फासला सेम होता है, लेकिन ये एलिप्स में ऐसा नहीं होता। एलिप्स जो है वो लंबाई में, लेंथ में ज्यादा होता है जबकि चौड़ाई में, विड्थ में कम होता है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो कम होती है जबकि इसकी लंबाई ज्यादा होती है, तो इसको एलिप्स कहते हैं। तो इस स्टेटमेंट के जरिए से ना सिर्फ हम सर्कल बना सकते हैं बल्कि एलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका सेंटेंस देखते हैं कि जब हमने एलिप्स बनाना है तब कैसे बनाना है और सर्कल कैसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले तो हम सर्कल लिखते हैं, जिस तरह बाकी स्टेटमेंट्स में हमने पहले स्टेटमेंट का नाम लिखना होता है इसी तरह इसमें भी इसका नाम लिखते हैं पहले। उसके बाद एक्स और वाई एक पॉइंट बताएंगे, सेंटर पॉइंट होगा ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है कि हमने एक सेंटर पॉइंट बताना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट बताएंगे। तो स्क्रीन पे पॉइंट जो बताएंगे वो सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा या एलिप्स का सेंटर पॉइंट होगा। जैसे ये मैंने पॉइंट यहाँ पे बनाया तो एक सेंटर पॉइंट हम बताएंगे, उसके इर्द गिर्द जो है वो एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। जब हम सेंटर पॉइंट बताएंगे कोमा लगा के हमने रेडियस बताना। आपको पता है सर्कल का रेडियस क्या होता है कि पॉइंट से जो सर्कल के एजेस होते हैं, ये जो सर्कल के एज है, पॉइंट से जो सेंटर पॉइंट है उससे सर्कल के एज तक का जो फासला होता है उसे रेडियस कहते हैं। जैसे ये इसका यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास और ये इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ सेंटर पॉइंट से उसके किसी भी पॉइंट तक का हमारे पास जो उसके एजेस तक का जो फासला है उसको रेडियस कहते हैं। तो उसका रेडियस बताएंगे कितने पॉइंट्स होना चाहिए, रेडियस बताएंगे इतना अगर हम लिख दें तो हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो सेंटर पॉइंट से जो हम रेडियस बताएंगे उसका, उसके इर्द गिर्द जो है वो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। जैसे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं सर्कल, पहले तो स्क्रीन मोड चूज करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन 2, तो लाइन नंबर 10 पे स्क्रीन 2 और लाइन नंबर 20 पे मैंने लिखा सर्कल। सर्कल लिखने के बाद मैंने सेंटर पॉइंट बताया 50, 50 और कोमा इसका रेडियस मैंने बता दिया 20। अब 50, 50 से क्या मुराद है कि ये मैंने इसका एक पॉइंट बताया। अब देखें, हमें पता है कि स्क्रीन पे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है वहां पे एक्स एक्सिस भी जीरो और वाई एक्सिस भी जीरो, दोनों जीरो होते हैं, जबकि बॉटम राइट कॉर्नर पे दोनों 199.199 है। एक्स एक्सिस का पॉइंट भी 199 हो जाता है और वाई का भी 199 हो जाता है, जबकि टॉप राइट कॉर्नर पे एक्स एक्सिस जो है वो 199 हो जाता है जबकि वाई अपने ओरिजिन पे ही रहता है, वाई का पॉइंट जीरो ही है। इसी तरह से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक्स अपने ओरिजिन पे है, जीरो है, जबकि वाई जो है वो 199 पे आ गया। अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्क्रीन है उसका अगर हम हाफ करें तो एक्स एक्सिस जो है वो भी तकरीबन 199 है, तो एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास तकरीबन 199 बनेगा और y एक्सिस जो है वो भी अगर हम सेंटर में करें तो वो भी 100 या 199 बनेगा। तो 50 पॉइंट कहां पे बन रहा है, 50 जो है वो 0 से 100 पे आ सेंटर, यहां पे तकरीबन 50 बन रहा है और यहां पे भी 50 बन रहा है। तो ये हमने एक इसका सेंटर पॉइंट बता दिया। रेडियस हमने उसका कितना बताया 20, तो 20 पॉइंट 50 से आगे कितने बनते हैं, जैसे यहां पे कर लेते हैं, फर्ज करते हैं यहां पे 20 पॉइंट्स बन रहे हैं, तो इस सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द एक सर्कल जो है वो तकरीबन इस तरह से ड्रा हो जाएगा और इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो पॉइंट शो नहीं होगा, सिर्फ एक सर्कल आपको स्क्रीन पे बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से एक सर्कल आपको ड्रा हुआ नजर आएगा। अब ये जो सर्कल है इसका हमने सिर्फ रेडियस बताया था और रेडियस बताने के बाद हमने आगे कोई चीज नहीं लिखी, तो एक सर्कल आपका ड्रा हो जाएगा। अगर हमने सर्कल का कलर बताना है,
कि ये जो सर्कल बना है ये इसकी जो एजेस है इस लाइन का कलर क्या होना चाहिए, मतलब हमारा फोरग्राउंड कलर, तो उसके लिए कलर का नंबर लिखेंगे रेडियस के आगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर का नंबर जो है यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ये 1 ब्लू कलर होता है, तो ब्लू कलर का एक सर्कल हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा सर्कल बनाने का तरीका का, इतना सिंटैक्स हमारा सर्कल बनाने का है। अब मैंने आपको बताया कि इस स्टेटमेंट के जरिए से ना सिर्फ हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं बल्कि एलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एलिप्स ड्रॉ करने का क्या तरीका कार है, जो हमने एलिप्स ड्रॉ करना है तो उसके लिए 3 चीजें हैं, 1, 2 और 3। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट बताना है, स्टार्ट एंगल बताना है और एंडिंग एंगल बताना है कि एलिप्स कहां से ड्रा होना स्टार्ट हो और कहां पे एंड हो, सेंटर पॉइंट से। देखिए सेंटर पॉइंट तो एलिप्स में भी बताएंगे, ठीक है, सेंटर पॉइंट बताने के बाद उसका रेडियस भी बताएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में उसका कितना रेडियस होना चाहिए, उसका कलर भी बता सकते हैं। लेकिन जब हमने एंगल बताना है तो उसका मतलब ये है कि एंगल जो है वो स्टार्टिंग एंगल कितना होगा और एंडिंग एंगल कितना होगा, कहां से एलिप्स बनना स्टार्ट होगा, किस एंगल से और किस एंगल पे आके वो एंड होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट एंगल बताएंगे और यहाँ पे हम अपना एंड एंगल बताएंगे, एंडिंग एंगल कितना होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये जो स्टार्ट और एंड है ये ऑप्शनल है, ये आप एलिप्स बनाते हुए लगाएं या ना लगाएं इसमें कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी लगाते जो एस्पेक्ट है इसके जरिए आपका एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। और ये जो एंगल की वैल्यू है स्टार्ट एंगल और एंड एंगल, ये एंगल जो है -2π से लेकर 2π तक होना चाहिए, ये इसकी रेंज आपने याद रखनी है एमसीक्यू वाले से, हमें स्टार्टिंग एंगल में भी और एंडिंग एंगल में भी। और अगर हम ये एंगल्स नहीं बताते तो एस्पेक्ट बताएंगे। एस्पेक्ट क्या है, बेसिकली एक रेशो है। रेशो क्या है कि देखें एलिप्स में हमें पता है कि हाइट जो है वो सर्कल की ज्यादा होती है और विड्थ जो है वो कम होती है, तो हमने रेशो बतानी है कि हाइट कितनी ज्यादा होनी चाहिए विड्थ की निस्बत। विड्थ डबल होनी चाहिए, ट्रिपल होनी चाहिए, 3 गुना ज्यादा हो, 4 गुना ज्यादा हो, 5 गुना ज्यादा हो या 1 गुना ज्यादा हो। तो जितनी भी हम इसका रेशो बताना चाहते हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे तो हमारा एलिप्स जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ एलिप्स की, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 10 पे मैंने लिखा स्क्रीन टू मैंने चूज किया और लाइन नंबर 20 पे मैंने लिखा सर्कल। सर्कल स्टेटमेंट लिखने के बाद मैंने इसका सेंटर पॉइंट बताया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100, 100 और उसके बाद इसका रेडियस बताएंगे और उसका कलर बताएंगे। फर्स्ट करते हैं रेडियस मैंने बताया 10 पॉइंट्स और इसका कलर जो है वो मैंने बता दिया 1। अब ना तो स्टार्ट एंगल बताना है ना एंड एंगल बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट एंगल के लिए कोमा आपने लगा देना और एंड यहाँ पे स्टार्ट एंगल लिखेंगे और एंड एंगल लिखेंगे, फिर इसके बाद तीसरा कोमा लगाएंगे, यानी कि उसे हमने बताना है कि हम जो चीज लिख रहे हैं वो रेशो है, स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था लाइन स्टेटमेंट में भी कि अगर हमने सिंटेक्स में याद रखना, दोबारा बता रहा हूँ गौर से सुनना है, मैंने लास्ट स्टेटमेंट में भी बताया था। देखिए सिंटेक्स में कोई चीज हम मिस कर रहे हैं, कोई चीज हम नहीं लिख रहे, बिलफर्स कलर नहीं लिख रहे, डायरेक्टली स्टार्ट और एंड एंगल लिख रहे हैं, तो ये 2 कोमास लगाने और इनकी जगह हली छोड़नी है ताकि उसको पता लगे कि दरमियान में जो चीज मिस किया वो कलर उसने मिस किया, वरना वो समझेगा कि इसने कलर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 कोमा लगाया, देखें सिंटेक्स के मुताबिक कलर के बाद 1 कोमा आता है, फिर स्टार्टिंग एंगल बताते हैं फिर कोमा लगाते हैं, तो स्टार्टिंग एंगल की मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी, दूसरा कोमा लगाया, फिर उसके बाद एंडिंग एंगल की जगह छोड़ी, फिर तीसरा कोमा लगाया, और उसके बाद एस्पेक्ट, एस्पेक्ट क्या है कि रेशो क्या होनी चाहिए आपके एलिप्स की, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी गुना ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कितने टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 टाइम्स, मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, यानी कि रेशो मैंने बता दी कि एलिप्स की जो लेंथ है वो 2 गुना ज्यादा होनी चाहिए उसकी विड्थ की निस्बत। तो यहाँ पे देखते हैं 100, 100। अब 100 यहाँ पे और 100 यहाँ पे, ये हमारे पास बनेगा एक स्क्रीन का सेंटर पॉइंट, और एलिप्स जो है उसका कलर मैंने 1 बताया और देखें रेशो मैंने 2 बताई है, मतलब इसकी लंबाई जो है और चौड़ाई की निस्बत 2 गुना ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इस तरह से एक एलिप्स जो है वो ड्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक एलिप्स ड्रा हो जाएगा जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुना ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम एलिप्स ड्रा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो और इसकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा हो जाएगी, विड्थ मजीद कम हो जाएगी, विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी जबकि लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो इसकी निस्बत क्योंकि यहाँ 2 लिखा था, इसमें मैंने कहा था 2 गुना लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी, विड्थ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मुकम्मल गोल सर्कल नहीं बनेगा अगर आप रेशो बताते हैं। अगर आपने सर्कल बनाना है तो इतना सिंटेक्स जो है वो कलर तक काफी होगा, तो आपका जो है वो सर्कल बन जाएगा। और इसमें आपने याद रखना है
कि अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल नहीं भी बताते, सिर्फ रेशियो बता देते, तब भी हमारा एलिप्स जो है वो ड्रा हो जाएगा। तो ये है हमारी कलर स्टेटमेंट। एक एमसीक्यू में आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे दो जवाब दीजिएगा, जिससे पता लगेगा कि आज का लेक्चर आपने कितने ध्यान से सुना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉ एन एलिप्स, which of the following statement used to draw an ellipse on the screen in graphics mode, यानी graphics mode में screen पे कौन सी statement है जो ellipse draw करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये board में MCQ आ चुका है, ठीक है। इसके options हैं line, circle, ellipse और draw, line, circle, ellipse और draw। A option है इसका line, B option है circle, C option है ellipse और D option है draw statement। तो इन चारों में से कौन सी statement है जिसके जरिए से screen पे हम graphic resolution mode में सर एलिप्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट रह गई है ड्रॉ स्टेटमेंट, वो पढ़ के तो इंशाल्लाह भी इसके एक्सरसाइज करेंगे। फिर भी अगर आपको भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।